हेलो गाइज, मैं हूँ हार्दिक पांचाल और आज हमारे साथ जुड़ी हुई है भाई फिर से होंडा सिटी, जो कि आपकी 2008-09 के टाइम पे आती थी। तो भाई इसको लेने के पीछे रीज़न क्या रहता था वो जानेंगे आज हम विनोद भाई से। तो आ जाओ भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई। तो भाई आज आप वीडियो बनवाने कहाँ से आए हो हमारे पास? बड़ी दूर से आए हो यार। भाई मैं करोलबाग से आया हूँ। करोलबाग भाई 4 किलोमीटर को भाई कह रहे, बड़ी दूर से आया हूँ भाई, 4 किलोमीटर है करोलबाग अपने यहाँ से, मैं शादीपुर में रहता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ, आपने गाड़ी इतनी चमका रखी है, ये है ना, तो गाड़ी इतनी चमका रखी है तो भाई क्या रीज़न है, कौन सा मॉडल है पहले ये बताओ? भाई मॉडल है ये 2008 मॉडल है। हाँ। उसके बाद भाई मेंटेनेंस वगैरह पूरी करा रखी है आपने? मेंटेनेंस पूरी है गाड़ी में, अभी पूरा पूरा 1 साल है। अच्छा। और मेरे पास 1.5 साल हो गया इस गाड़ी को। 1.5 साल हो गया। मैंने ये भी किसी बाइक से ली थी। अच्छा, सेकंड हैंड ली थी। कितने की पड़ गई थी भाई ये? उस टाइम पे भाई मेरे को 1.5 लाख की पड़ी थी। 1.5 लाख की? और ऊपर भी पैसे लगाए होंगे? हाँ भाई, ऊपर मैंने बस इसमें टायर डलवाए थे। अच्छा, टायर डलवाए थे। हाँ, इसके टायर डलवाए थे और गाड़ी रबिंग पॉलिश कराई थी। अच्छा। और बस, और फिर उसके बाद मैंने जब इसको सारी जगह घुमा दिया। काका ले गए हो इसको? राजस्थान। राजस्थान, अच्छा। और इधर यूपी साइड, इधर गई हुई है सारी जगह। अच्छा। यूपी के चक्कर लगते रहते हैं इसके घूमने के। हम्म। और आज भी मेरे को शाम को ही निकलना है अयोध्या के लिए। अच्छा, अयोध्या जा रहे हो? वाह भाई वाह, कांग्रेचुलेशन। तो भाई आपने इसके साथ साथ और भी गाड़ियाँ चला रखी होंगी? हाँ, गाड़ी मेरे पास और भी है, एक ओमनी है। अच्छा, वैन है। तो भाई भाई ने उसको भी मॉडिफाई करा रखा, वो भी मैं आपको बाद में वीडियो दिखाऊंगा। तो भाई आपने कोई वरना वगैरह भी चलाई होगी? भाई वरना भी चलाई है, गाड़ी तो मैंने सारी चलाई, सारी चलाई है। तो भाई अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने स्कॉर्पियो चलाई होगी? हाँ। तो स्कॉर्पियो में इसमें क्या डिफरेंस लगता है, क्योंकि ये एक सेडान है और स्कॉर्पियो ऊंची गाड़ी है पूरी। स्कॉर्पियो का मजा जो है वो बस ऊपर बैठे हो तो जैसे कि राजा बैठा होता है ना। हाँ। वो वाला हिसाब है उसके अंदर बैठने का, मजा है राजा का भी बाप बैठा हो तो वो हिसाब है। अच्छा, इसमें देख देख के चलानी पड़ती होगी, नीचे से लगना जाए। देखने का कुछ नहीं है भाई, नीचे तो गाड़ी है कि हाँ। उठवा रखी है। अच्छा, उठवा रखी है इसके, मतलब शोकर भी मैंने इसके ऊंची लेंज के लगवा रखे हैं। अच्छा हाँ भाई, देखो ऊंचे करवा रखे भाई ने थोड़ी। हाँ। गाड़ी उठवा के और इसके डबल इसमें वो लगवा रखे हैं, क्या नाम है इसके, जो माउंट आती है। अच्छा। और इसके जो टायर है वो मैंने स्विफ्ट डिजायर के डलवा रखे हैं। अच्छा, स्विफ्ट डिजायर के लगवा रखे हैं। हाँ जी, गाड़ी उठवाने के लिए। अच्छा। इसमें 65-65 के आते हैं 14। अच्छा, डलवा रखा है 85-80-14। अच्छा, तो मतलब टायर उठवा रखे हैं। हाँ, तो भाई ऑयल लगने का कम चांसेस रहते हैं फिर। और ये मेरी गाड़ी के अंदर का इंटरनल देखो, क्या करा रखा है मॉडिफाई। और कहीं भी, मतलब इसको मैं कहीं भी ले गया पहाड़ों में। अच्छा, हिल स्टेशन पे सारी जगह भाई। देखो पहले तो कंडीशन देखो भाई, क्या मिंट रख रखी है भाई ने अपनी ओमनी को भी भाई, बड़ा टिंच बना रखा है, भी दिखाऊंगा। ये देखो भाई, मैट वैट लेके सीट कवर सारी चीज बढ़िया कर रखी है। और एक तो ना इसका जो इंटीरियर आता है ना बीच कलर का भाई, काफी बढ़िया लगता है। तो मोनू भाई, इसके पीछे वाला स्पेस कैसा लगता है, जो पीछे का जगह है? भाई पीछे का स्पेस इतना है, कम से कम इसके अंदर पीछे बैठे खुले खुले बंदे तो 3 बैठ सकते हैं। अच्छा। और ज्यादा बैठाने को तो 4 भी आराम से बैठ जाते हैं। देख लो भाई, होंडा सिटी अपने स्पेस के लिए जानी जाती है। ये देखो सीट पूरी पीछे है, तब भी देखो कितना स्पेस बच रहा है मेरे पास, और उधर तो बहुत सारा स्पेस बच रहा है। तो भाई अब ये बताओ, इसके अंदर आता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। हाँ जी। तो आपने इसमें कितनी माइलेज निकाली है? भाई इसका जो पेट्रोल की एवरेज है बहुत अच्छी है। कितनी निकाली है? कम से कम 18 की एवरेज देती है। 18 की एवरेज। तो भाई अब आप ये बताओ, दूसरा सीन क्या लगवा रखा है इसके अंदर? दूसरा एक है भाई, मैंने इसमें ना CNG लगवा रखी है। अच्छा, CNG। हाँ। आफ्टर मार्केट CNG। तो भाई उससे तो माइलेज और बढ़ जाती होगी भाई, उससे ये गाड़ी मेरी कम से कम प्लस 200 चलती है एक सिलेंडर में। एक बार खोल के दिखाओ सिलेंडर कैसा है, इसमें कितना स्पेस बच जाता है सिलेंडर। तो भाई ये देखो, ये कह रहे हो आप सिलेंडर का है, इसमें तो स्पेस ही स्पेस में जा रहा है भाई। स्पेस है सिलेंडर भाई, सिलेंडर है इसके पीछे, क्योंकि भाई होंडा सिटी के अंदर स्पेस ही इतना मिलता है आपको कि सिलेंडर अंदर लगाओ, उसके बाद बेस ट्यूब रख लो, अपना सामान रख लो, कितना ही कुछ रख लो भाई, पूरी जगह मिल जाती है इसके अंदर। तो भाई CNG में आपकी 200 प्लस चल जाती है आराम से? 200 प्लस चल जाती है, वैसे तो 250 की है इसकी। अच्छा। और हाईवे पे 250-350 खेस देती है हाईवे पे। हाँ। तो भाई टॉप स्पीड निकाली है इसकी कभी? टॉप स्पीड भाई मैंने इसको कभी ज्यादा किसी भी गाड़ी को मैं ज्यादा भगाता नहीं। अच्छा। तो चलाता बड़ी हिसाब से। हाँ। मेरे लिए 700-800 किलोमीटर कोई वो नहीं है। अच्छा। 800 किलोमीटर ये 10 घंटे में आराम से टॉप मार देती है। 10 घंटे में 8 किलोमीटर 10 घंटे में 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर हाँ सॉरी 800 किलोमीटर में इसको चला देता हूँ। और जिसके अच्छा। मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं टेंशन फ्री रहता है बंदा, उसके अंदर रुकते रुकाते CNG भराते मैं घूमता हूँ चला जाता हूँ। अच्छा। आ भी जाता हूँ। तो भाई अभी आप जैसे बता रहे हो आपने सेकंड हैंड ली थी,
तो आपको मतलब सर्विस वगैरह में कोई दिक्कत आती है? ये शोरूम से कराते हो बाहर से कराते हो? भाई इसकी सर्विस जो है मैं बाहर से करवाता हूँ। अच्छा, बाहर से करवाते हो। क्या है शोरूम से क्या कराऊंगा, देखो जो सर्विस बाहर से हो जाती है ना, हाँ, शोरूम से नहीं। वो तो लूटते हैं फिर वहाँ पे। हाँ, तो और इसकी सर्विस के मामले में मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। हाँ बताओ भाई। ये मेरी देखो गाड़ी की सर्विस का, आप इंजन का भाई देखो। ये देखो भाई इंजन की कंडीशन देखो, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भाई, इतना तो कोई नई गाड़ी में भी चमका के नहीं रखता। पर भाई वो ये जितना आप मेंटेनेंस करके चलते हो ना, तो गाड़ी भी उतनी अच्छी ही चलती है आपकी। तो भाई और कोई इसके साथ क्या कहते हैं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं होना आपका कोई? नहीं भाई, एक्सीडेंट है भाई। अच्छा, एक उसकी मेरे से ही लग गई थी गाड़ी। हाँ मेरे से ही गाड़ी लग गई थी भाई। अच्छा, कहाँ लगी थी? लगी क्या थी यार, एकदम से कोई आ गया था और ब्रेक मारी तो गाड़ी स्लिप होती हुई गई थी। अच्छा, हल्की सी लगी थी फिर। और दूसरी बार भाई अपने आप ही बंदा आया, ऐसे देखे हमारी ओला उबर वाले, तो आपको पता ही है। अब सी वो बता रहे थे ना उसमें सर्विस में कितनी कॉस्ट आ जाती है? हाँ कॉस्ट यार बस ज़्यादा कुछ नहीं होता, इंजन ऑयल और फिल्टर ही डलते हैं बस, उसके बाद गाड़ी चलाते रहो। मतलब 10,000 के अंदर अंदर हो जाती है सर्विस? तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा हो गए, कम ही मान लो भाई। भाई 2,500 रुपये कम से कम। 2,500 में 1,500 रुपये से 2,000 रुपये का तेल आता है और फिल्टर हो गया 2,000 रुपये का। अच्छा, लेवर लेता है बंदा, उसके बाद गाड़ी पीछे। अच्छा, तो भाई आपने जैसे पहले और भी गाड़ियाँ रखी है चलाई है, तो फिर आप नई गाड़ी की तरफ भी तो जा सकते थे? नहीं भाई मेरे को पसंद नहीं है। पसंद नहीं है क्योंकि भाई सेकंड हैंड में अलग मजा है, लो घसीटो बेच दो दूसरी लो फिर घसीटो। और भाई होंडा सिटी जैसी गाड़ी आपको 1.5 लाख में पड़ रही है तो और क्या चाहिए। और मैं साफ साफ बताऊँ भाई का, भाई टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस, तो अगर किसी भाई को अपनी ट्रैवलिंग में चाहिए गाड़ी लगवानी है तो भाई से कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बताओ भाई आपने उसका के मतलब कहाँ जाते हो? भाई मैं ऑल इंडिया जा चुका हूँ। अच्छा, तो मतलब अगर किसी सवारी को जाना हो कहीं से कहीं बुकिंग लेके जाना हो, हिल स्टेशन जाना हो, वहाँ से वहाँ घुमाते हैं तो चले जाओगे। इसके अलावा और भी गाड़ी अवेलेबल करवा दोगे? कोई भी गाड़ी लो, बस लो, हवाई जहाज लो, हेलीकॉप्टर लो। अच्छा, और भाई मेरा नाम लोगे तो भाई हो सकता है डिस्काउंट भी करा दे आपको? भाई जो डिस्काउंट होगा वो सामने आपके सामने पार्टी से पार्टी होगा, इसमें हमारा ये कुछ नहीं होगा। हम गाड़ी बुक करवा रहे हैं तो इसमें कोई कमीशन खा रहे हैं, वो कमीशन। अच्छा, वो हिसाब नहीं है। हाँ, तो भाई अभी तक आपको सबसे बढ़िया गाड़ी कौन सी लगी? होंडा सिटी को छोड़ दे तो आप चला रहे हो भाई, इससे मेरी बेहतरीन गाड़ी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो भाई अभी एक थोड़े दिन में दिख जाएगी आपको। हाँ, उसको आप कहोगे कि भाई ऑडी Q5 भी फेल है उसके सामने। मेरी इसका नाम ही ऑडी है भाई, है ना, ऑडी है भाई। भाई ने ऑडी टिंच करवा रखी है, अब आप कहोगे ऑडी कैसी हो, मैं दिखाऊंगा आपको तब देखना। तो गाड़ी दिखाऊंगा, गाड़ी आप देखोगे तो आप बोलोगे भाई ऐसी गाड़ी नहीं है। उस गाड़ी को ही मैं ऑल इंडिया उसको भी ले जा चुका हूँ और जहाँ जगह जगह मैं घुमा चुका हूँ। अच्छा, इतनी दूर ना ले जाता हूँ, 1500 और 2300 किलोमीटर मैं गाड़ी को अप डाउन मार के आया हूँ, जिसके अंदर गाड़ी में कस से मच नहीं गया कुछ। अच्छा, और भाई इसके सेगमेंट की एक वरना आती है, वरना। हाँ, तो वो कैसी लगती है आपको? भाई मेरे को वरना का तो कह नहीं सकता क्योंकि वरना मैंने चलाई है। अच्छा, अभी जो मजा मेरा इसका है वो मजा किसी और। बस वरना में थोड़ा स्पेस कम है पीछे की साइड में, है ना, स्पेस का हिसाब होता है भाई। इसके अंदर स्पेस इतना है, बंदा आराम से सो जाए, आराम से जाए। और लॉन्ग रूट पे कहीं जा रहा है ना तो उसको थकान महसूस नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया 800-900 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया, मेरे को थकान। अच्छा, महसूस नहीं होती है। तो चलो भाई, आप किसी को सजेस्ट करोगे भाई सेकंड हैंड गाड़ी लेने के लिए? हाँ भाई, सब भाइयों को कहूँगा जिसको अच्छी लगे वो इंजन भाई कहते हैं ना, गाड़ी का इंजन भाई ओके रखो, या बॉडी लाइन होती है, बॉडी लाइन बढ़िया होती है इंसान की गाड़ी का ना। जैसे हम लोग कहते हैं एक्सीडेंट होता है तो कि हड्डी टूट जाती है, वो हड्डी दोबारा ठीक से नहीं हो पाती। अच्छा, हाँ हाँ, तो ऐसी गाड़ी होती है। गाड़ी की जो बॉडी है वो जेन्युइन होनी चाहिए, कहीं से गली नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ होगी। तो इंजन क्या होता है, पेट खराबी हमारी, सर्दी जुकाम, हम वो ठीक करवा सकते हैं। हाँ, तो वही सर्दी जुकाम गाड़ी के अंदर होता है। अच्छा, जो गाड़ी जैसे इंजन में होता है वो सर्दी जुकाम होता है, ज्यादा हो गया वो तो ठीक देख के अपनी कंडीशन वाइज देख लो, हर कोई ठीक करवा सकता है। अभी जो गाड़ी थकी होगी कहीं से, इंजन गला होगा या कहीं से, मतलब जो बॉडी चेसी कहीं से गली होगी, तो वो आपको सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो इसलिए पुरानी गाड़ी कभी भी लो तो गाड़ी की बॉडी लाइन देखो, बॉडी लाइन अच्छी होनी चाहिए। बॉडी लाइन अच्छी होगी तो गाड़ी लुक अच्छी मारेगी। हाँ हाँ, ये तो है भाई। और कहीं आप देखो पे जाओगे तो लहर नहीं मारेगी, और हाँ, देखो छुट काम तो इंसान का। और क्या, और भाई नई गाड़ी आ भी तो इतनी महंगी महंगी रही है, 7-7 लाख की वैगनार आ रही है, बताओ भाई। नई गाड़ी लोगे, नई गाड़ी का जो मजा नहीं है वो मजा सेकंड हैंड में और सिडान में मिल जाएगा भाई, स्पेस से लेके सारी चीज भगाने में इसका है तो वो मजा अलग है। ये गाड़ी ऐसी है ना,
80 के बाद और 60 के बाद, 60 से 80 के बाद ये गाड़ी कहती है हट जाओ, अंदर को आगे जाना तेरी। तो भाई भागने में एक नंबर गाड़ी है, गेट टॉप गियर लगता है वहाँ, इसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे हवाई जहाज चल रहा हो। ओ तेरी। तो भाई अगर भाई किसी को चाहिए 1-1.5 लाख में सेकेंड हैंड गाड़ी, तो भाई सीडान की तरफ भी जा सकते हो। आप सोचते हो कि i10 आती, तो भाई ऐसी सीडान भी मिल जाती है जैसा अभी भाई ने बताया, ढूंढोगे तो सब मिलेगा। तो गाइज यही थी मेरी वीडियो, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।